नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बीजेपी का मिशन 2022, जी हां, यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार बीजेपी माइक्रो लेवल की मैनेजमेंट कर रही है। विधानसभा की हर एक गतिविधि पर नजर रखने और कंप्लीट फीडबैक की रणनीति बनाई गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का ऐसा दुर्ग तैयार हो चुका है जिसे भेद पाना विपक्षी दलों के को आसान नहीं होगा। पार्टी ने यूपी में सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए 403 विस्तारकों की तैनाती भी कर दी है और हर विस्तारक को विधानसभा चुनाव तक अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र में रहना ही होगा। शुरुआती दौर में विस्तारक अपने क्षेत्र की चुनावी स्थिति, मौजूदा विधायक की छवि और संभावित दावेदार, विपक्षी दलों की स्थिति, कार्यकर्ताओं के असंतोष सहित अन्य मुद्दों पर फीडबैक लेकर संगठन को देंगे। विस्तारक विधानसभा क्षेत्र में बूथ प्रबंधन से लेकर चुनाव प्रचार के प्रबंध तक की काम भी करेंगे। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और तैयारियां पूरी बीजेपी ने कर ली है। और साथ ही बीजेपी ने 403 सीटों पर और हर विधानसभा सीट पर विस्तारक जो है तैनात कर दिए, तैयार कर दिए हैं और बीजेपी अब हर सीट पर नजर रखेगी, तमाम मुद्दों को लेकर जनता से बीच में जाएगी और बातचीत भी जनता से करेगी। गोरखपुर मंडल गोरखपुर के लिए 28 अगस्त की तारीख बहुत खास होगी। जी हाँ, ये पहला मौका होगा जब जिले के लोगों को एक साथ दो विश्वविद्यालयों की सौगात मिलेगी, वो भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से। बता दें कि शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर के बटहट ब्लॉक में पिपरी में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी और साथ ही उनके हाथों गोरक्षपीठ के अधीन सोनम बरसा में संचालित गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय लोकार्पण भी किया गया। बता दें कि विश्वविद्यालय की सौगात मिलने के साथ ही गोरखपुर की शैक्षणिक उपलब्धियों में कुल अब 4 विश्वविद्यालय हो जाएंगे। बता दें कि हर एक विद्यालय की नींव रखने और दूसरे का लोकार्पण करने आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 10 दिसंबर 2018 को भी गोरखपुर पहुंचे थे। तब उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के में बतौर मुख्य अतिथि परिषद के शताब्दी वर्ष 2032 तक गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में प्रतिष्ठित होने की मंशा जताई थी। तो ऐसे में गोरखपुर पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने दो विश्वविद्यालयों की सौगात गोरखपुर वासियों को दी है और ऐसे में अब ये गोरखपुर को बड़ी सौगात मिली है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और ग्रेटर नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह शोक संवेदना प्रकट करने रायबरेली पहुंचे थे। वहां स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के परिजनों को ढांढस उन्होंने बढ़ाया सांत्वना भी थी। साथ ही सरकार का बखान करते हुए सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहले नौकरी शैक्षणिक योग्यता पर नहीं, जातियों के आधार पर मिलती थी। जो भारत माता की जय नहीं बोले का वो देशभक्त और राष्ट्रभक्त ना हो, ऐसे लोगों को देश छोड़कर जाना ही उचित होगा। इतना ही नहीं, पंकज सिंह ने बंद पड़े उद्योगों के लिए भी आश्वस्त किया। शोक संवेदना प्रकट करने के बाद बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार में लोगों को नौकरी पाने के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं बल्कि जाति का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता था, लेकिन अब योगी जी ने बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था बना दी है और नौजवान आज रोजगार भी हासिल कर रहा है। योगी सरकार में लोगों को रोजगार मुहैया कराए जा रहे हैं और ऐसे में पंकज सिंह ने योगी सरकार का पूरा बखान किया और सपा बसपा सरकार पर जमकर बरसते हुए वो नजर आए। तो रायबरेली का ये पूरा मामला है जहां पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए बीजेपी के ग्रेटर नोएडा से विधायक पंकज सिंह पहुंचे थे। ऐसे में उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय जो नहीं बोलता और उसे देश छोड़कर चले जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बसपा और सपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और बीजेपी सरकार का बखान भी किया। ऐसे में उन्होंने बसपा सपा कांग्रेस की
कई सरकार में लोगों को उन्होंने कहा कि नौकरी पाने के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं बल्कि अपनी जाति का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता था, लेकिन अब योगी राज में बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है और ऐसे में नौजवान आज रोजगार भी हासिल कर रहा है और योगी सरकार में लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। तो अपनी सरकार का बखान करते हुए पंकज सिंह यहाँ पर नजर आए, लेकिन देखा जाए तो विवादित बयान भी उन्होंने यहां पर दिया और बसपा और सपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए वो नजर आए। तो रायबरेली का ये पूरा मामला है जहां पर बीजेपी के विधायक पंकज सिंह शोक संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा भारत माता की जय न बोलने वाले देश छोड़कर चले जाएं। विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया और ऐसे में उनकी तरफ से सरकारों पर भी विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि और सरकारों के कार्यकाल के दौरान जाति के आधार पर लोगों को जो है नौकरी दी जाती थी, लेकिन योगी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी सरकार में हर कोई जनता को सारी सुविधाएं दी हैं और जनता को नौजवान को रोजगार भी हासिल कराया है योगी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हुए मेरठ की खबर का रुख करेंगे। मेरठ में अब से कुछ देर पहले दरअसल बाइक सवार दो हमलावर खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि सरयाम पार्षद और प्रॉपर्टी डीलर जुबैर अंसारी को एक ब्लॉक चौकी के पास गोलियों से भून दिया और इस वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब पार्षद अपने घर के बाहर स्कॉर्पियो में बैठे जा रहे थे। तभी बाइक से दो हमलावर वहां पहुंचे और पिस्टल से पार्षद पर उन्होंने हमला कर दिया और वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद पूरे महकमे में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मौके पर एसपी सिटी और एसएसपी भी पहुंच गए और भीड़ को देखते ही आसपास के क्षेत्र में भारी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की अब पुलिस छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। तो मेरठ का पूरा मामला है जहां पर पार्षद को गोली मार दी, दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया, मौके पर ही पार्षद की मौत भी हो गई है। वहीं पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस अब वहां मौके पर मौजूद है और छानबीन कर रही है। बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र के दबंगों के हौसले बुलंद होने की खबर लगातार सामने आ रही है, जहां डोरा गोटिया गांव में एक फास्ट फूड की दुकान चला रहे दलित युवक को दबंगों ने जमकर पीट दिया और जिसमें दुकान चला रहे दोनों युवक सगे भाई हैं। बता दें दबंगों ने पहले दोनों युवकों की पिटाई की और फिर उनकी दुकान बंद करा दी। आपको बता दें कि पीड़ित दलित युवक का दबंगों के साथ मामूली बात पर विवाद हो गया था, जिसके बाद दबंगों ने दुकान में घुसकर युवकों की पिटाई की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें मामूली विवाद पर ये दबंगों ने युवकों को पीटा है और पूरी घटना में अब पुलिस छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। तो बता दें बरेली का पूरा मामला है जहां पर एक फ्रूट बेचने वाले का दबंगों के साथ विवाद हो गया था और विवाद इतना बढ़ गया कि मामूली विवाद पर दबंगों ने युवकों को पीट दिया। दो सगे भाई थे जो दुकान चलाते थे, उनका विवाद हो गया था जिसको देखते हुए दबंगों ने उन दोनों को ही पीट दिया और साथ ही उनकी दुकान भी बंद करा दी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा उनकी पिटाई की और ऐसे में दबंगों ने उनकी जमकर पिटाई की, जिसमें बता दें दुकान चला रहे दोनों युवक सगे भाई भी बताए जा रहे हैं और दबंगों ने पहले दोनों युवकों की पिटाई की और फिर उनकी दुकान भी बंद करा दी। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि पीड़ित युवक का दबंगों के साथ मामूली सी बात को लेकर कुछ दिन पहले विवाद हो गया था, जिसके बाद दबंगों ने दुकान में घुसकर युवकों की पिटाई कर दी और इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जांच पड़ताल कर रही है।
आगरा में ट्रेन की चपेट में आने से एक दर्जन से ज्यादा गौवंशों की कटने से मौत हो गई। बता दें कि रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से गायों की मौत हो गई, तो वहीं दो गौवंश घायल हो गए हैं जिनका ग्रामीणों ने इलाज कराया। इधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मामले की जानकारी के बाद जेसीबी मशीन बुलाकर सभी मृत गायों को दफना दिया है। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने रेलवे लाइन किनारे तार बंदी को लेकर मांग उठाई। थाना बसई अरेला क्षेत्र के गांव नगला भरी के पास हादसा हुआ है जिसमें कई गौवंश की मौत हो गई है। तो आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से कई गौवंशों की जान चली गई है, जिसके बाद इटावा रेलवे लाइन पर ये पूरा हादसा हुआ है। साथ ही बता दें ग्रामीणों ने लाइन के साइड में तार लगाने की भी प्रशासन से अब गुहार लगाई है ताकि इस तरह की घटना फिर दोबारा से ना हो। और साथ ही वहीं मौके पर जब पुलिस पहुंची, लोगों ने सूचना दी, पुलिस पहुंची तो पुलिस ने सभी गौवंशों के शवों को अब दफना दिया है। और मामले की जानकारी के बाद पुलिस पहुंची थी, साथ ही जेसीबी की मशीन भी बुलाई गई वहां पर और सभी मृत गायों को दफना दिया गया। उधर आक्रोशित ग्रामीणों ने रेलवे लाइन किनारे तार बंदी को लेकर भी मांग उठाई है। साथ ही प्रशासन से ये अपील की है कि जल्द से जल्द इस काम को किया जाए ताकि इस तरह की घटना आगे फिर कभी ना हो पाए। रेल की पटरी पर कुछ गायें आ गई थी 14-15, उनमें से करीब करीब 13 गायों की मृत्यु हो गई और दो गाय अभी जिंदा है, उनका इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचे? हाँ, बस यरोला मुकेश एसआई आए, उन्होंने जेसीबी मंगवा के उन गायों को गड्ढा खुदवा के दफनाया गया। तो ये आगरा का पूरा मामला है जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से कई गौवंशों की जान चली गई है। इटावा रेलवे लाइन पर ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं पुलिस को इस पूरे मामले की जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और सभी गौवंशों को दफना दिया गया है जेसीपी की मदद से। साथ ही गुस्साए ग्रामीणों ने मांग उठाई है कि तारबंदी की जाए और ऐसे में वहां पर दोबारा से ऐसी किसी भी तरह की घटना ना हो सके, इसलिए आगे व्यवस्था की जाए। और बता दें इस चपेट में आने से एक दर्जन से ज्यादा गौवंशों की कटने से मौत हो गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से राजकुमार तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, किस तरह से यह हादसा हुआ, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, थाना बसई जिला क्षेत्र के गांव नगला भरी का मामला है। यहाँ सुबह एक ट्रेन से कटकर 13 गायों की मौत हो गई थी और दो गायों को उपचार के लिए भेजा गया है। जी राजकुमार, कितनी गायें थी और कितने बताए जा रहे हैं कि गौवंश थे वहां पर मौजूद? 15 गाय थी, 13 गायों की मौके पर ही मौत हो गई है, दो गायों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर 13 गायों का को दफना दिया है। जी कोवन, वो राजकुमार, जिस तरह से वहां के ग्रामीण गुस्साए हैं, उन्होंने ये मांग उठाई है कि वहां पर तार बंदी की जाए लाइन की साइड में ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, क्या प्रशासन ने अभी तक संज्ञान लिया है इस पर? जी बिल्कुल, आपकी जो बात सही है, आक्रोशित ग्रामीणों ने रेलवे लाइन पर तार बंदी करने की मांग की गई है और वहां पर कोई भी तार बंदी नहीं है, इतने ऐसे हादसे हो रहे और सभी ग्रामीणों का आक्रोश है। चलिए राजकुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरा आगरा का यह मामला है जहां पर इटावा रेलवे लाइन पर यह हादसा हो गया और कई गौवंश जो है ट्रेन की चपेट में आने से उनकी जान चली गई है, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने अब तारबंदी की मांग की है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा फिर कभी ना हो सके। आगरा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद भी अवैध शराब की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद भी इस पर कोई रोक नहीं लग रही है। साथ ही थाना एतमादौला क्षेत्र के गड़ी चांदनी गौतम नगर में अवैध शराब बेची जा रही थी और ऐसे में अवैध शराब बता दे बेची जा रही थी जिसका कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। इधर हिंदू महासभा की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और अवैध शराब सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही हिंदू सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जिला अध्यक्ष ने कहा है कि आगरा में हर घर जहरीली शराब परोसी जा रही है।
लखीमपुर खीरी में पलिया के प्रमुख व्यापारी नेता रवि गुप्ता ने कोरोना की वजह से बंद हुए जिले की इंडो नेपाल सीमा को खोलने की कवायद अब तेज कर दी है। व्यापारी नेता रवि गुप्ता ने नेपाल के जिलाधिकारी खगेंद्र प्रसाद रिजाल और एसपी को ज्ञापन देकर इंडो नेपाल के गौरी फंटा बॉर्डर को दोनों देशों के व्यापारियों और आम नागरिकों के हित में खोलने की मांग की है। साथ ही बॉर्डर संबंधी समस्याओं से भी नेपाल के अधिकारियों को अवगत कराया गया है और भारतीय नागरिकों का विशेष ख्याल रखने की मांग भी की है। तो वहीं नेपाल डीएम ने भी बॉर्डर को खोलने का आश्वासन दिया है। मैं भारत नेपाल बॉर्डर के लोगों आम जनमानस की समस्या को लेकर अभी नेपाल के डीएम और एसपी से मिला हूं और मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप शीघ्र से शीघ्र भारत नेपाल सीमा को खुलवाने का प्रयास करिए ताकि दोनों तरफ के देशों के व्यापारियों और आम जनमानस को हो रही दिक्कतें समाप्त हों। मेरी बात को गंभीरता से लिया गया है, वह ऊपर बात करेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही भारत नेपाल सीमा आम नागरिकों के लिए पूर्ण रूप से पहले की तरह खोल दी जाएगी और लोग अपना व्यापार और आवागमन फिर से सुचारू रूप से जारी रख सकेंगे। पीलीभीत के सदर कोतवाली इलाके के शेर मोहम्मद इलाके में रियाज अहमद, मिराज अहमद और नाजीम परवेज के नाम से एक प्लॉट है जिस पर मोहसिन रजा ने फर्जी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर उसको बनवाना शुरू कर दिया है। पीड़ित को जब मामले की जानकारी मिली तो पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जिसके बाद काम को रुकवा दिया गया। साथ ही पीड़ित पक्ष ने स्टे ऑर्डर कराकर काम को भी रुकवा दिया है। वहीं आरोपी मोहसिन रजा ने अपनी बेटी की तरफ से रियाज अहमद पर करीब 8 दिन बाद फर्जी दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसके बाद पीड़ित पक्ष के लोग एसपी आवास पर पहुंचे। वहीं पीड़ित पक्ष के लोग पुलिस लाइन स्थित एसपी कार्यालय पर पहुंचे जहां पीड़ित पक्ष की आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने एसपी पीलीभीत से मामले की लिखित शिकायत भी की और मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एसपी ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला है जहां पर पीड़ित पक्ष ने ही कार्रवाई की मांग की है, दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल जमीन को लेकर ये विवाद था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक प्लॉट मिला था जिस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया था और उसके बाद इस मकान को बनवाया जा रहा था। जब पीड़ित पक्ष को इस बात की जानकारी हुई तो पीड़ित पक्ष वहां पर पहुंचा और थाने में तहरीर भी दी जिसके आधार पर पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया और साथ ही काम भी वहां पर जो चल रहा था उसे भी रुकवा दिया गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो जिसने कब्जा कर लिया था आरोपी मोहसिन रजा, उसके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसने अपनी ही बेटी की तरफ से रियाज अहमद जो पीड़ित था उस पर करीब 8 दिन बाद फर्जी दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया जिसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसके बाद पीड़ित पक्ष के लोग अब एसपी आवास पर भी पहुंचे जिसके बाद पीड़ित पक्ष के लोगों ने पुलिस लाइन स्थित एसपी कार्यालय पर पहुंचकर पीड़ित पक्ष की आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने एसपी को शिकायत भी दी है और मामले में तुरंत ही कार्रवाई करने के लिए भी आवाज उठाई है और मांग की है। वहीं एसपी ने भी मामले की जांच कराकर कार्रवाई कराने का आश्वासन पीड़ित पक्ष को दे दिया है। लड़की ने एफआईआर कराया, ये इतने सालों से रहते थे, हमने कभी नहीं रोका, इन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, हमने जब रोका तो ये माने नहीं, गालियाँ देना शुरू कर दिया इन लोगों ने। हमने लीगल प्रोसेस अपनाया और कोर्ट से स्टे लेकर आए, जिस दिन कोर्ट से स्टे लेकर आए इनके घर पे स्टे लगा, अगले दिन ही इन लड़कियों ने मेरे हस्बैंड के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर दिया है, झूठा केस दर्ज कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं, एसपी सर से मिले हैं, एसएचओ सर से मिले, आईओ सर से मिले, सबसे मिलने के बाद उन्होंने हमें बोला ये सब कुछ जाँच हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हमारे पास इतने सारे एविडेंस है, वो लड़की अब तक 4 लोगों के खिलाफ मोलेस्टेशन का केस करा चुकी है, 76 लगवा चुकी है, ये हर बार ये करती है और हमेशा से सबसे समझौता करके पैसे लेके पैसे खा लेती है और ये केस वापस ले लेती है। यूपी के गोंडा जिले में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है जिसके चलते अन्य सहायक नदियां भी अब उफान पर आ गई हैं। इसी क्रम में टेडी नदी भी उफान पर है जिस वजह से सड़कों और पुल पर भी पानी आ गया है। यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले कटरा गोंडा रोड के
चंदवतपुर हाट पुल पर भी पानी आ गया है, जिससे लोगों का आवागमन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर सहायक नदी टेढ़ी नदी में भी जलकुंभी की साफ सफाई न होने के चलते भी हाल बेहाल हो रखे हैं। पिछले साल भी इन्हीं वजहों से चलते कई गाँवों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए थे। तो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से नदियों में जो जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वो अब सड़कों पर भी पानी आ गया है और लोगों को पानी के बीच में ही पुल पार करना पड़ रहा है और तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इटावा से ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक को शादी का झांसा देकर उससे 35,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। वहीं पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया कि ठगों ने सगाई के समय मंदिर में उसे 20 साल की युवती को दिखाया था और शादी पक्की कर दी थी और शादी के समय अधेड़ महिला को लेकर पहुंच गए। वहीं पीड़ित दूल्हे ने इस मामले में पुलिस से मदद की अब गुहार भी लगाई है। वहीं पीड़ित दूल्हे ने कहा कि योगी सरकार में मेरे साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं हो सकता, मुझे योगी सरकार पर पूरा वहीं युवक ने कहा कि लड़की वालों ने मुझसे जो 35,000 रुपए ठगे हैं, बस मुझे मेरे पैसे वापस दिला दें और मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।